हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज इंडियन रेलवे का एनिवर्सरी है। 167 ईयर इंडियन रेलवे ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो 167 साल पुरानी ये रेलवे हो चुकी है। जब पहली बार 16 अप्रैल को ही चली थी ये ट्रेन, अपनी रेलवे की स्टार्ट हुई थी। तो इंडियन रेलवे एनिवर्सरी का आज का दिन है। 167 साल पूरे कर चुकी है रेलवे। और ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने रेलवे से रिलेटेड मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो मैंने सोचा आपको ये बात ज़रूर बताऊँ कि पहली बार रेलवे कब चली थी। तो 167 साल पूरे कर लिए हैं रेलवे को, रेलवे ने। और दूसरी बात मैं ये बताऊँगा कि जो भी 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसीज आई थी, उसमें आप लोगों ने जिसने भी फॉर्म भरा था, चाहे अप्रेंटिस वाले हों चाहे नॉन अप्रेंटिस वाले हों, ये सभी के लिए 2019 ग्रुप डी का फॉर्म जिसने भी भरा था, जिसने फॉर्म फिल किया था, उस उनको जिनको रिफ़ंड फ़ीस मिलनी थी 500 रुपये जो भी फॉर्म का था आई थिंक, तो वो जो रिफ़ंड फ़ीस था उसके लिए फॉर्म आ चुका है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, और उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट डिटेल्स को अपडेट कराना चाहते हो, जिसमें आप चाहते हो कि वो पैसा आपका रिफ़ंड हो गवर्नमेंट की तरफ से, 500 रुपीज़ फ़ीस थी आई थिंक इफ़ आई एम करेक्ट, तो आप उस डिटेल को अपडेट कर सकते हो। और अगर पहले ही आपने अकाउंट डिटेल डाल रखी है तो भी एक बार आप इस पे अपना रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक तो कर ही सकते हो स्टेटस, और ये 500 रुपीज़ जो भी था वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिफ़ंड होगा। तो रिफ़ंड का क्योंकि प्रोसेस पहले ही था जब नोटिफिकेशन आया था कि रिफ़ंड किया जाएगा ये फ़ीस, तो वो आपको पैसे रिफ़ंड होंगे। तो आप, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को डाल दूंगा, वहाँ से आप उस लिंक, उस वेबसाइट तक पहुँच जाएंगे रेलवे की, और वहाँ पर अपनी डिटेल देख के आप अपडेट कर दीजिए अकाउंट डिटेल्स, और उसमें आपको रिफ़ंड मिलेगा। और एनी अदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो कोर्ट केस की अभी चीज़ें चल रही हैं, अगर हो पाई तो डेफिनेटली कोर्ट में केस होगा। ओके, बस अभी और कुछ है नहीं, और किसी को कुछ अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तो कमेंट के ज़रिए बताएं।